काल्पी जालौन आगामी मुहर्रम कावड़ यात्रा आदि त्योहारों का शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से कोतवाली काल्पी के सभागार में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता पुलिस क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। उक्त अवसर पर तमाम ताजेदारों और हिंदू संगठन के सदस्यों, पालिका सभासदों और नगर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सह प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद अशरफ ने कहा कि किसी भी प्रकार से नया कार्यक्रम नहीं होगा, पूर्व की भांति परंपरागत तरीके से अनुसार ही संपूर्ण आयोजन होगा, जिसमें निर्धारित रास्ते ही ताजिया निकाले जाएं, ताजियों की लंबाई न बढ़ाई जाए, आयोजन स्थलों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। उप जिलाधिकारी के सिंह ने कहा जुलूस में निर्धारित मानक के अनुसार ही डीजे या अन्य वादक यंत्र बजाए जाए। ताजियेदार पप्पू मेंबर ने रास्ते में झूलते बिजली के तारों को कसवाने को बात कही। इसी तरह ताजियेदारों ने 20 जुलाई से 29 जुलाई तक होने वाले मुहर्रम के त्यौहार पर नगर में साफ सफाई की विशेष सुविधा देने की बात कही। आज मुहर्रम के त्यौहार को लेकर थाना कालपी में पीस कमेटी मीटिंग आयोजित की गई। उसमें जिलाधिकारी महोदय, मैं इंस्पेक्टर कालपी, एडिशनल इंस्पेक्टर कालपी और जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सभी समुदाय के, वो उपस्थित हुए। सरकारी विभाग के और भी जो एनजीओ सार्वजनिक विभाग से, नगर पंचायत से, वो भी उपस्थित थे। इसमें जो जो मुस्लिम समाज है उसने जो मुहर्रम के त्यौहार में उसकी परेशानियाँ आती हैं, जैसे कि साफ सफाई की बिजली की समस्या, उसके बारे में अवगत कराया गया। तो एसडीएम साहब द्वारा निर्देश दिए गए हैं बिजली के जो तार हैं उनको टाइट करने के, बिजली के सारे पोलों को चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा जो मुहर्रम के जुलूस है उसके जो मार्ग हैं उनका भ्रमण और निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि कोई ऐसी घटना घटित ना हो जाए, गलत घटना घटित ना हो जाए। और जो ताजिया द्वारा के साथ भी आज मीटिंग हुई है, जो जो ताजिया बना रहे हैं वहाँ जहाँ पर निर्माण कर रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है, उनको मानक के हिसाब से ताजिया बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के यह है कि हम जो हमारा मुहर्रम का त्यौहार है उसे शांतिपूर्वक सबके सहयोग से संपन्न करें। सर, सुरक्षा दृष्टि हेतु क्या क्या व्यापक इंतजाम है? सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा ताजेदारों के द्वारा साथ मीटिंग की गई है, मानक के हिसाब से ताजिए बनाए जाएंगे, पुलों का भ्रमण किया जा रहा है, बिजली के तारों को सही किया जा रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास मौजूद है, बाहर से भी पुलिस बल आया है, लाइन से भी मिलेगा हमें। अच्छा सर, सोशल मीडिया को या माहौल बिगाड़ने के लिए उनको क्या संदेश? आज तक जो भी ऐसे लोग हैं जो समुदाय के बीच में जो गलत मैसेजिंग करते हैं उनको मैं कड़ी से कड़ा संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा कोई भी प्रयास करेंगे आपके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा संदेश आप व्हाट्सएप पर प्रसारित ना करें जिससे गलत मैसेज जाए, पुलिस आपके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी।